नहीं, काफी बार मैं जो भी आया हूँ वो नवीन भाई और नवीन भाई कर जो है उनकी समस्या ही लेके आया हूँ। आज भी जो आया हूँ वो नवीन भाई कर जो समस्या से जूझ रहे हैं उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। आज काफी दिनों में आप देखोगे तो सब जगह पे नवीन भाई के जो जो रास्ते है, जो इंटरनल रास्ते है या बाहर के रास्ते, उन सभी रास्तों के ऊपर काफी सारे खड्डे हैं। इसके बारे में हमारे जो लोकल पदाधिकारी थे वो बार बार निवेदन दे, पत्र दे, लेकिन जैसे थे वैसी परिस्थिति आज भी है। इसके लिए हम लोगों ने खड्डों का नामकरण जी इस प्रकार से एक कार्यक्रम डिक्लेयर किया हुआ है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कॉरपोरेशन को, अन्यथा खड्डों का नामकरण होगा। महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर साहब रहे या शहर अभियंता संजय देसाई रहे, कार्यकारी अभियंता रहे, इनका नाम उन खड्डों को दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर रास्ते ठीक नहीं होते, खड्डे नहीं होते ठीक से, तो अभिजीत बांगर साहब के घर के बाहर और कार्यकारी अभियंता शहर अभियंता इनके घरों के बाहर खड्डों की क्या तकलीफ है आपको समझ में आएगी। नहीं, देखिए कैसे होता है कि हर कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा कि कंत्राटदार जो कॉन्ट्रैक्टर है और अधिकारी जो इनकी मिली भगत है, बार बार वो रास्ते के बारे में 2-4 लोगों को ही टेंडर देना, वही कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देना, उन्हीं को मेंटेनेंस देना, ये मिली भगत के कारण ये रास्ते ठीक नहीं हो रहे। एक डग सिस्टम नामक एक प्रकार है, ताकि वो डग सिस्टम, अगर MTNL को खुदाई करनी है तो वो डग सिस्टम से अपनी वायर भेज दे, अगर MSCB को खुदाई करनी है तो उससे वो वायर भेज दे, लेकिन 40-50 डग छोड़ने के बाद भी अपने यहाँ पे कुछ किलोमीटर के बाद डक होनी चाहिए, वो डक सिस्टम नवीनभर में कार्यान्वित नहीं है। इसी के चलते हुए ये सभी खड्डे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इनकी मिली भगत के कारण ये खड्डे हो रहे बार बार। बारिश के पहले आपको ये सब पता है कि हर बार कहाँ पे खड्डे होते हैं, उसको कैसे ठीक करना है, कहाँ पे पानी जमा होता है, ये सब अधिकारी लोगों को पता है, जो चाहे डिप्यूटी इंजीनियर रहे, जूनियर इंजीनियर रहे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। उसके बावजूद भी आप बोलेंगे हम लोग 21वें शतकातील महानगर पालिका, लेकिन आज प्रशासक है, कोई भी कॉरपोरेटर सभागृह में नहीं है। इसकी सभी जिम्मेदारी प्रशासक और उनके जो इंजीनियर है उनके ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने ये नामकरण छोड़ा रखा बिल्कुल। और कुछ दिनों में इसके पुख्ता सबूत लेके मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।